दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का फिर से अपने नए व्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज की ट्रिप पे मैं आप सभी को लेकर पहुंच चुका हूं अभी टीवीएस अदर्स टीवीएस एजेंसी में, जो कि दोस्तों आप में से मैक्सिमम भी लोगों का कमेंट था कि शिवम भाई आप जो न्यू अपाची बाइक का एक बार आप शोरूम का वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आप लोगों के कमेंट को लेकर मैं फाइनली अभी पहुँच चुका हूँ और दोस्तों आज की इस ब्लॉग में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ यहाँ पे अपाची बाइक और साथ ही साथ एक्सल टीवीएस का जो मतलब काफ़ी सारे टीवीएस का काफ़ी सारे मैं बाइक दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों अंदर चल के बात भी करेंगे कि किस बाइक पे कितना आप डाउन पेमेंट करके गाड़ी को रीफिनेंस करा सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और उम्मीद करूँगा कि दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की जितने भी नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूं शोरूम के अंदर और यहां पे हमारे साथ हैं सर, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। रणबीर कुमार जी। सर आपका नाम क्या है? रणबीर। रणबीर कुमार सर, यहां के आप क्या मैनेजर या क्या चीज़? सेल्स एग्जीक्यूटिव जी। बिल्कुल। तो सर एक्चुअली हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस गाड़ी पर कितना डाउन पेमेंट करके लोग गाड़ी को छुड़ा सकते हैं। तो सबसे कम प्राइस में जो गाड़ी है सबसे पहले उस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। सबसे कम प्राइस है और सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ बिकने वाली है मोपेड एक्सेल 100 है। आपको बताते हैं, दिखाते हैं। ये गाड़ी है ना? हाँ ये गाड़ी है, सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ सेल होने वाली है और सबसे कम प्राइस में ये है। मेरे यहाँ 67,200 का पड़ेगा जी। इसका कम से कम डाउन पेमेंट 15,000 से 17,000 में मेरे यहाँ छूट जाएगा कम से कम। मतलब मैक्सिमम अगर बात करें तो 15,000 से 17,000 डाउन पेमेंट करिएगा गाड़ी मिल जाएगा जी। अपने घर आप गाड़ी ले जा सकते हैं जी। बिल्कुल। बगल में है स्कूटर, स्कूटर के बारे में बात कर लेते हैं। इधर से बात करते हुए एक ही गाड़ी करूँ, ये है स्कूटर में पे प्लस है, इसका प्राइस आपका आएगा 84,000 का। इसका भी डाउन पेमेंट लगभग में सेम ही आएगा जी, 17,000 के आसपास में आएगा। मतलब इस पे भी 17,000 डाउन पेमेंट करके गाड़ी आप ले जा सकते हैं। स्कूटर में सब एक ही प्राइस क्या किया? नहीं, स्कूटर में ये जुपिटर वेरिएंट है, जुपिटर में 2-3 वेरिएंट है मेरे यहाँ, सबका प्राइस अलग अलग है, लेकिन 25 आप डाउन पेमेंट करते हैं 25,000 के आसपास में तो स्कूटर जुपिटर भी आपको मिल जाएगा जी। बिल्कुल। तो उस साइड भी स्कूटर ही है ना? उसके बाद एंटॉर्क है मेरे यहाँ 125 cc का जी, इसका डाउन पेमेंट 30-35,000 कम से कम 30-35,000 करना पड़ेगा मैक्सिमम। 30-35,000 आप डाउन पेमेंट करके से कोई भी ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अगर फुल पेमेंट की बात करें तो कितना का आपको? मेरे यहाँ ये ऑन रोड प्राइस 1,16,000 का चल रहा है जी। 1,16,000 जी। बिल्कुल ऑन रोड प्राइस जी। तो इसके बाद रेडियन में 110 cc में आइएगा बाइक में जी। तो रेडियन है मेरे पास, स्पोर्ट है, स्टार सिटी है जी, सब अलग अलग प्राइस है, अलग अलग वेरियंट है। इसमें रेडियन में 2-3 वेरियंट है मेरे पास, अभी फिलहाल दो वेरिएंट में है जी। एक का प्राइस पड़ेगा आपका 84,500, एक का पड़ेगा 90,800। इसका भी अगर फाइनेंस पे आपको लेना है तो इसका लगभग में 22,000 से 25,000 रुपये आप फाइनेंस में डाउन पेमेंट करके ले सकते हैं गाड़ी। 22,000 से 25,000 रुपये डाउन पेमेंट करके इसमें से कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक कोई भी गाड़ी ले सकते हैं जी। बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अपाची का, जो मैक्सिमम वीवो लोग का ये सबके डिमांड रहते हैं कि इस पर कितना डाउन पेमेंट करके हम गाड़ी को छुड़ा सकते अभी हैं। इसका मेरे यहाँ रेट चल रहा है 1,40,700 जी। इसका कम से कम डाउन पेमेंट मिनिमम कम से कम आपका आ जाएगा 42,000 के आसपास। 42,000 आप जमा करिए गाड़ी लेके जा सकते हैं। 42,000 रुपये डाउन पेमेंट करके आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं। हाँ। सकते हैं इसमें से कोई भी अपाची? हाँ कोई भी अपाची। मेरे यहाँ कलर पे कोई प्राइस नहीं है, कोई भी कलर लीजिए, डबल डिस्क सिंगल डिस्क में थोड़ा सा 3,000 का अंतर आ जाता है जी। बिल्कुल। सीसी क्या है सर? 107 cc का है जी। बिल्कुल। डबल डिस्क और सिंगल डिस्क में 3,000 का अंतर आता है जी। अगर मतलब डबल डिस्क लेते हैं तो 3,000 एक्स्ट्रा कम एक्स्ट्रा आएगा, और सिंगल डिस्क लेते हैं ड्रम जिसको बोलते हैं जी, उसमें डबल डिस्क से 3,000 कम आएगा जी। बिल्कुल। तो और भी कोई गाड़ी है सर? मेरे यहाँ 4B भी है, अपाची का ही है, 160 cc है जी। 4B वेरिएंट में आई जी। बिल्कुल। वो भी गाड़ी देख लेते हैं, अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा थोड़ा सा इस साइड आ जाइए, ये गाड़ी दिखा सकते हैं अभी सर थोड़ा सा इस गाड़ी के बारे में बताइए। 160 cc 4B है जी। इसका डाउन पेमेंट कम से कम 50,000 करना पड़ेगा इसका, इसलिए कि उसे 2B से 6,000 महंगा पड़ता है जी। तो 6,000 रुपया इसमें बढ़ जाएगा डाउन पेमेंट, कम से कम 50,000 इसके लिए करना पड़ेगा मैक्सिमम। 50,000 रुपये आप डाउन पेमेंट करके गाड़ी ये गाड़ी फिनांस करा सकते हैं, रीफिनांस करा सकते हैं जी। बिल्कुल।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो भी राइडर भी आया है। जी बिल्कुल, अभी नया भी आया है राइडर। जी बिल्कुल, इसका प्राइस अभी 1,10,000 के समथिंग आ रहा है, 125 सीसी है जी। मार्केट में इसका बहुत डिमांड है जी। बिल्कुल, और ये भी फाइनेंस करा सकते हैं कम से कम 25,000 रुपये जमा करके, मात्र 25,000 रुपये डाउन पेमेंट करके गाड़ी को रीफाइनेंस करा सकते हैं। जी सर, ये सिंगल डिस्क के साथ है कि डबल सीट? नहीं, इसमें ड्रम और डिस्क में आता है। डिस्क का बोले तो सिंगल आगे सीट रहेगा डिस्क, और ड्रम में बोले तो बिल्कुल डिस्क नहीं रहेगा दोनों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो भी गाड़ी थी हमने हर एक गाड़ी को दिखाया, कितना किस पे कितना डाउन पेमेंट करके आप गाड़ी को रीफाइनेंस करा सकते हैं। फाइनेंस कराना है आपको तो आधार डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पासबुक लगेगा, और कम से कम मिनिमम डाउन पेमेंट 42,000 कम से कम आप जमा करते हैं आपको मिल जाएगा, आपको फाइनेंस हो जाएगा 42,000। मतलब एक्चुअली बात करें कि कोई भी अगर गाड़ी फाइनेंस कराते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा? आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पासबुक जी, 3 महीने का करंट स्टेटमेंट जी, और कोई भी गाड़ी का अकाउंट है मेरे यहाँ, बहुत सारे बैंक का लिस्ट है मेरे पास। अगर उस बैंक में होगा तो आपका चेक नहीं लगेगा, अगर उसके बैंक से अलग होगा तो एक चेक लगेगा। मेरे पास 15 बैंक है जिसका लिस्ट है, आपको लिस्ट भी दिखा देते हैं, किसी का भी चेक नहीं लगेगा। मतलब इसमें जितने भी बैंक है और इसमें से कोई बैंक का चेक नहीं लगेगा, विदाउट चेक का होगा, सिर्फ पासबुक लगेगा जी। बिल्कुल, एक बार आप दोस्तों एक बार आप लोग रीड कर सकते हैं यहाँ पे। मैं अपने सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय देकर हमारे व्यूअर्स को इतना सारे बात बताएं। और दोस्तों उम्मीद करूंगा कि दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप उससे भी कमेंट बॉक्स में लिख के, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद हो उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।